अमेजन सेलर सर्विस की इंडिया हेड की जमानत अर्जी हुई खारिज। बाहुबली अतीक अहमद के एक और रिश्तेदार की बिल्डिंग हुई जमींदोज। बाहुबली अतीक अहमद के एक और रिश्तेदार की बिल्डिंग हुई जमींदोज। प्रदेश सरकार की योजना एक जिला एक उत्पाद में हाथरस की हींग को किया गया शामिल। यूपी के देवरिया में खंड विकास अधिकारी के साथ एक युवक ने दुर्व्यवहार करते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हस्तिनापुर में पर्यटन केंद्रों का किया निरीक्षण। सपा एमएलसी से बोले सीएम योगी, हमारे पास आपकी पीड़ा शांत करने की दवा है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था हुई समाप्त। प्रवेश परीक्षा के दौरान अब अगर कोई उत्तर हुआ गलत तो नहीं कटेंगे उसके अंक। दिल्ली के सबसे खूबसूरत पार्कों में एक वेस्ट वंडर पार्क कोरोना के बाद एक बार फिर लोगों की पसंद बना। कमाई हुई 30 लाख रुपए। शिक्षा निदेशक के वीडियो पर सियासत जारी, दिल्ली बीजेपी ने मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। नई दिल्ली के पालिका भवन रोड पर अतिक्रमण को लेकर दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी के द्वारा अभियान चलाया गया। सीलमपुर विधानसभा में लगने वाले चौहान नगर वार्ड में गुरुवार को रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिखाए गए काले झंडे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा घटा दी गई है। आम आदमी पार्टी सूत्रों का आरोप है कि गुजरात निकाय परिणाम के बाद ये कार्यवाही की गई है। आप पार्षदों ने साधा भाजपा पर निशाना, टाउन वेंडिंग कमेटी की नीति पर उठाए सवाल। भारत लाया जा सकता है भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी, यूके कोर्ट से मिली मंजूरी। जीएसटी की खामियों के विरोध में कैट ने शुक्रवार को किया भारत व्यापार बंद का आह्वान। क्रिप्टो करेंसी पर कमोडिटी नहीं बल्कि संपत्ति के रूप में लगाया जाना चाहिए कर, एससी गर्ग का आया सामने बयान। बीएमडब्ल्यू ने नई क्रूजर बाइक भारत में की लॉन्च, कीमत 24 लाख से शुरू। लॉकर सुविधा प्रबंधन को लेकर 6 महीने में दिशा निर्देश जारी करे आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। नारायणपुर में दो जवान हुए शहीद, शहीद जवानों को रक्षित केंद्र में श्रद्धांजलि दी गई और गृह ग्राम रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क हादसे में ससुराल से लौट रहे युवक की हुई मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ रायपुर मंत्री परिषद की बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर। बैकुंठपुर रोड स्थित रेलवे स्टेशन में कोल वैगन में अचानक लग गई आग, फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर पाया काबू। रायपुर में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस महिला मोर्चा ने मोदी सरकार और महंगाई के खिलाफ की रैली। मध्य प्रदेश के सिवनी में महिला सरपंच को लोकायुक्त ने किया गिरफ्तार, महिला सरपंच ने 10,000 रूपए रिश्वत की थी मांग। स्वच्छता में लगातार 4 बार नंबर 1 पर बने रहना आसान काम नहीं, इंदौर ने ये कर दिखाया। देवास में घूरने की बात को लेकर 12वीं के छात्रों में हुआ विवाद। विवाद इतना बड़ा कि 3 नाबालिगों ने मिलकर एक छात्र पर चाकू से किया हमला। शराबबंदी की मांग को लेकर हरिगिरी महाराज के शिष्यों द्वारा निकाली जा रही पद यात्रा मुरैना पहुंची। इस दौरान लोगों को शराब न पीने की शपथ भी दिलाई गई। जैस्मिन भसीन ने कश्मीर में मनाया अली गोली का जन्मदिन। ईशान खट्टर ने शाहिद को किया बर्थडे विश, शेयर की बचपन की फोटो। राखी खन्ना ने अंधाधुंध के मलयालम रीमेक के अंतिम चरण की शूटिंग शुरू कर दी। बंसाली के जन्मदिन पर आलिया भट्ट स्टार गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर हुआ रिलीज। भारत के लिए 400 टेस्ट विकेट लेने वाले अश्विन चौथे और दुनिया के 16वें गेंदबाज बने। मिस्र के कायरा में हो रहे शॉटगन विश्व कप में फिलहाल भारतीय पुरुष टीम चौथे और महिला टीम तीसरे स्थान पर।
बांग्लादेशी क्रिकेटर नासिर ने अपनी शादी के बारे में अफवाहें फैलाने पर कार्यवाही की दी चेतावनी। भारतीय मुक्केबाज नवीन बुरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 72वें स्ट्रॉन्जा मेमोरियल टूर्नामेंट के तीसरे दिन सेमीफाइनल में जगह बनाई। इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर राग, बोले वार्ता के जरिए सुलझा सकते हैं मुद्दे। म्यांमार में सेना के समर्थन में रैली, तख्ता पलट का विरोध करने वालों पर हमला। दुनिया के सबसे भीषण अकाल का सामना कर रहा है यमन, संयुक्त राष्ट्र ने कहा। अमेरिकी सांसदों ने चीन की धमकाने की रणनीति के प्रभावों से निपटने संबंधी विधेयक किया पेश। फेसबुक ने म्यांमार सेना से जुड़े सभी खातों और विज्ञापनों को किया प्रतिबंधित। गाड़ी के इंजन में विस्फोट से लगी आग, 10 अफगान नागरिकों की हुई मौत। जर्मनी में आईएस के सदस्य इमाम और अन्य को जेल की सजा सुनाई गई। अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल का दावा, अफगान तालिबान की पनाह गाह है पाकिस्तान। बिहार के गया जिले के रहने वाले तंजीरुर रहमान ने पक्षियों को आशियाना देने के लिए अपने घर को ही पक्षियों का रैन बसेरा बना दिया। कोयम्बटूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के भव्य मंदिर दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। एलओसी पर तनाव घटते ही पाकिस्तान ने बदला पैतरा, बातचीत को हुआ राजी। ओडिशा में 45 किलो हाथी दांत जब्त, दो गिरफ्तार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए दिशा निर्देशों की हुई घोषणा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव के दोनों बेटों रवि कांत यादव और दिनेश कांत यादव को 90 दिन में कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने की दी छूट। वाराणसी में एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर वाराणसी भदोई मार्ग पर शव रखकर आवागमन किया बाधित।